हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं एमसी स्टैन से। तो जैसे कि कल एमसी स्टैन का जो इंदौर में शो था उसको कैंसिल करना पड़ा। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि बजरंग दल वाले स्टेज पे आके एमसी स्टैन के गानों के बारे में बात कर रहे थे और साथ ही वो एमसी स्टैन को थ्रेट भी देते हैं। तो इसके बाद से काफी सारे रैपर्स ने इस चीज के ऊपर रिएक्ट करा है। तो रागा एक ट्वीट करता है, कैंसलिंग शोज ऑन एक्सप्लिसिट कंटेंट, वाह, आई एक्सपेक्ट इंदौर की स्टैन आर्मी ने इतना हल्ला मचाया हो, अगली बार कैंसल ना कर पाए आर्टिस्ट। एवरी आर्टिस्ट हु हैज एक्सप्लिसिट कंटेंट हैज फेस्ड दिस बुलशिट विद इंदौर। इंदौर स्टैंड अप और आई कैन सी यू ऑल बीइंग लेफ्ट आउट पूरे देश में। इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टैन आर्मी, it's about ragaholics and every explicit artist fan base who express society as it is. Stand up Indore, hamara kuch nahi jata ek shahar na perform karne mein, pura desh maze leta raha hai, leta rahega. Ikka ek tweet karta hai, bhagwan ka cctv sab dekh raha hai. Onkor abj likhta hai, jo bhi stand ke sath kal hua hai wo is desh ke keedo ki mentality dikhata hai, keedo ka safaya karo. Kaam likhta hai, किसी आर्टिस्ट को स्टेज से उतरवाओ और बोलो कि वो गानों में गाली देगा तो पिटेगा एंड प्रोसीड टू से चूतिया इन द सेम सेंटेंस। ऋषि रॉय जो है वो कुछ ऐसी स्टोरी डालता है, हा हा और बग गाली अपने गाने में। यशराज लिखता है, हिप हॉप और एमसी स्टैन दोनों नहीं रुकने वाले। यंगस्टर लिखता है, कांट स्टॉप हिप हॉप एमसी स्टैन। तो बात कर लेते बेला के बारे में। तो बेला एक स्टोरी डालता है, एल्बम क्वेश्चन मार्क। तो बात कर लेते लोका के बारे में। तो लोका की जो ऑटोबायोग्राफी ईपी थी वो अभी 15 मिलियन प्लेस क्रॉस कर चुकी है स्पॉटिफाई पे। ग्रेविटी को उनका सिल्वर प्ले बटन मिल चुका है और रणवीर पाजी को अपना गोल्डन प्ले बटन। एमसी अल्ताफ और सम्मोहित का ट्रैक आउट हो चुका है जिसका नाम है इंडस्ट्री गलत। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।